अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज से हमारी माइक्रोबायोलॉजी की बुक स्टार्ट है। इसका चैप्टर नंबर 1 है द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है माइक्रोबायोलॉजी की। द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, यानी कि ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। माइक्रोन मीन समाल छोटा, बायोलॉजिया मीन स्टडिंग लाइफ, यानी कि जिंदगी की स्टडी। हिंस माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटीज, यानी कि ये इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है और उसकी एक्टिविटीज को देखा जाता है। इट इज कंसर्न विद फॉर्म स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब, यानी कि इसमें माइक्रोब की भी शनाख्त की जाती है और इसकी फॉर्म स्ट्रक्चर वगैरह रिप्रोडक्शन को भी डिस्कस किया जाता है। इट इंक्लूड द स्टडी, यानी कि इसमें शामिल है ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, नेचर की स्टडी भी इसमें शामिल है। देयर रिलेशनशिप और इसकी रिलेशनशिप टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड टू अदर लिविंग थिंग, दूसरे जानदार अजसाम के साथ। द बेनिफिशियल एंड डिटर्मिनेंटल इफेक्ट ऑन मैन एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग, यानी कि एक आदमी के अंदर जो फिजिकल और केमिकल चेंजिंग है उनको भी कराता है। दे मेक इन देयर इन्वायरमेंट, इट मे ऑल्सो भी डिफाइंड है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड डैट डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इफेक्ट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये इसकी सेकेंड डेफिनेशन है। इसके बाद है मैक्रोब। मैक्रोब इज अ टर्म ऑफ टिनी क्रेचर, यानी कि छोटा सा जानवर। डैट इंडिविजुअली इज टू स्मॉल टू बी सीन विद यूनाइटेड आई, यानी कि इसको आम आंख से नहीं देखा जाता। मैक्रोब इंक्लूड, यानी कि मैक्रोब में शामिल होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, आर्किया, फिंजाई, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, रिकेटेसिया। इसके बाद है थर्मो एस्ट्रोफेली, derives in super hot super acidic condition the red stuff on rocks, this is an arcobacteria। ये इसकी डायग्राम्स भी बनी हुई है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री। इन 1665 यानी कि 1665 रॉबर्ट हुक एंड इंग्लिश साइंटिस्ट हैव डिसेप्शन ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि बिसरी आले का इंतखाब किया, एंड इट यूजेस और इसके इस्तेमालात को भी। बट ही डिड नॉट इन्वेंट इट, यानी कि इसने इसको याद नहीं किया, बस उसके यूजेस बताए हैं। ही डिस्क्राइब अ स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी कि कॉर्क की छाल जो होती है स्लाइस चाकू की मदद से, एंड सजेस्टेड और राय दी है द डेट कॉर्क हैज कंपोज ऑफ कंपार्टमेंट, यानी कि एक कमरे की तरह है। विच ही कॉल्ड सेल्स, जिसको इसने सेल्स का नाम दिया। ये डिस्कवरीज ऑफ हुक एंड अदर साइंटिस्ट रिचर्ड, और दूसरे भी साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप को बयान किया था और इसको ईजाद किया था। उसके इसमें लीवन हुक हो गया, इसने डिसेप्शन यानी कि पोशीदा बेनिफिट्स बताए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ये सारा आप लोगों ने खुद ही देखा ना। इसके बाद नेक्स्ट है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये अहम है। द साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टेरिया और बैक्टेरिया, रिकेटेसिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, यीस्ट एंड वायरस, यानी कि इसके अंदर बैक्टेरिया, रिकेट्स, एलजी, फंजाई, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। विदाउट द हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट कम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल सबस्टान, यानी कि बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं और सबस्टान बनते हैं। इट लाइफ वुड बी अनसर्टेन। इंटरेस्ट इन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि ह्यूमन की जिंदगी पर ये इफेक्ट करता है, असर डालता है, हैज़ बीन द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की फाउंडेशन। और फर्मेंटेशन में इसका स्कोप है। द फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस एंड द सोर्सिंग ऑफ मिल्क आर नेचुरल प्रोसेस लॉन्ग ऑन टू मेन, और यानी मिल्क के प्रोसेस में जूस इनके ये काम आता है। येट वे दिस चेंजिंग अकर्ड वेयर अननोन अंटिल पैस्टियर इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th century, यानी कि 19वीं सदी में ईजाद हुआ था। शोड अ कैपिटल वर्ल्ड डेट यीस्ट हैज़ बैक्टीरिया कन्वर्टिंग शुगर्स टू अल्कोहल्स एंड एसिड, एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद है इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ हैड अ डिसेप्टिव रोल इन शेपिंग, यानी कि साबुन बनाता है वर्ल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री में
द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन रिसेंट डिसेडीज हैज बीन पैरेलल्ड बाय राइजिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड मोर राइजियस रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में ये काफ़ी यूज होता है। फॉर एसेटराइल प्रोडक्ट क्राइटेरियन ऑफ क्वालिटी इज सिंपल, देयर वुड बी नो लिविंग डिटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वट सो एवर। द प्रोडक्ट शोल्ड बिफोर द एबल टू पास अ टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी, यानी कि इसका पहले टेस्ट किया जाता है एंड फिर इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद डिस इन्फेक्टेंस हो गया, ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट वगैरह केमिकल्स गुजार करती है। इसके बाद इंजेक्शन हो गए, उसके बाद स्टेराइल मेडिसन हो गई, ये वगैरह भी इसमें भी ये यूज़ किया जाता है। इसको आप लोगों ने खुद ही रीड आउट कर लेना है। इंजेक्शन वगैरह में पायोजेंस वगैरह हो गए, उसके बाद स्टेराइल मेडिसन हो गई, इसमें ये द मोस्ट ट्रेंड फॉरवर्ड प्रिपेयर्ड मेडिसन हो गए इसके अंदर। और कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड होता है। स्पोल्जी हो गया, मेडिसन में होता है रिजल्ट माइक्रो और माइक्रोबियल कंटामिनेशन की थ्रो ये वकूफ पजीर होता है। इन सबको आप लोगों ने रीड आउट कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ किस तरह किया जाएगा। साइंस डोमिनेट द 20th century, यानी कि 20वीं सदी में साइंस ने हमें बताया कि एंड माइक्रोबायोलॉजी इज वन ऑफ द नेवर साइंस, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी साइंस की एक शाख है। माइक्रोबायोलॉजी इज डायनामिक एक्सप्लोडिंग एंड रिवोलेंट्री। द माइक्रोबायोलॉजिस्ट है डिस्कवर वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, यानी कि वैक्सीन को ईजाद किया जो कि डिजीज बीमारी वगैरह को कम करती है, सच एज स्मॉल पॉक्स, पोलियो ड्रग्स, सच एज पेनिसिलियम ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यानी कि बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए इनको ईजाद किया। द डिस्कवरी ऑफ सम ऑफ द विटामिन एंड अदर बेसिक फूड मटेरियल हैड रिजल्टेड फ्राम द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द बायोलॉजिस्ट में यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन ऑफ द पैसे स्पेस ट्रेवल, यानी कि फूड को पैक वगैरह किया जो कि स्पेस में लोग आराम से लेके जा सकते थे। इसके बाद है द फिजिशियन नीड्स नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टू फाइट डिजीज, यानी कि फिजिशियन ने नॉलेज दी है माइक्रोबायोलॉजी को कि वो फाइट डिजीज के खिलाफ किस तरह से लड़ सकते हैं। इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट ऑफन यूटिलाइज माइक्रोबायोलॉजी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजुअल केमिकल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में भी यूज़ किया गया। जियोलॉजिस्ट फ्रीक्वेंटली यूजेस इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थिस माइक्रोबायोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम कोर ऑफ द अर्थ टू दी फॉर राइजेस ऑफ आउटर स्पेस, और स्पेस वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाने लगा। आई होप कि आपको वीडियो सही से समझ में आ गई होगी। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।